सैफई परिवार की एकता की तस्वीर के बाद अब शिवपाल यादव को नई भूमिका का इंतजार है। उपचुनाव में बहू डिंपल यादव की प्रभावी जीत के बाद शिवपाल यादव ने अपनी गाड़ी पर तो सपा का झंडा लगा लिया है, लेकिन लखनऊ आने के करीब 4 दिन बाद भी अभी तक सपा कार्यालय का रुख नहीं किया है। फिलहाल सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मंगलवार की शाम लखनऊ लौट आए हैं। ऐसे में अब शिवपाल खेमे की निगाहें अखिलेश के अगले कदम व घोषणा पर टिकी हुई है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए मतदान के पहले ही अखिलेश और डिंपल यादव चाचा शिवपाल को अपने मंच पर ला चुके थे। इसका सीधा फायदा भी चुनाव में दिखा और शिवपाल की विधानसभा जशवंत नगर से डिंपल ने 1 लाख से भी अधिक वोटों की बढ़त बनाई। नतीजों के बाद अखिलेश ने न केवल शिवपाल की तारीफ की बल्कि वो उनको जिम्मेदारी देने की बात भी लगातार कह रहे हैं। हालांकि शिवपाल समर्थकों के लिए ये इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। माना जा रहा है कि शिवपाल या उनके बेटे आदित्य यादव को अखिलेश सपा संगठन में अहम ओहदा दे सकते हैं। शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव जैसा पद देकर संगठन में समायोजित करने की भी चर्चा है। सूत्रों का कहना है कि चूंकि निकाय चुनाव पास है, ऐसे में सपा इसको मजबूती से लड़ने की तैयारी में है। मैनपुरी की एकता व जीत के बाद बना माहौल जमीन तक जाए, इसके लिए शिवपाल की भूमिका जल्द तय करना जरूरी है। इंतजार लंबा खिंचा तो संशय व सवाल फिर गहराएंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी का कहना है कि अखिलेश लखनऊ आ चुके हैं, जल्द ही इस दिशा में कोई फैसला होने के आसार हैं। शिवपाल भी अखिलेश की मौजूदगी में 1-2 दिन के भीतर सपा कार्यालय का रुख कर सकते हैं। निकाय चुनाव सहित अन्य रणनीति बैठकों में भी शिवपाल को औपचारिक तौर पर भागीदार बनाया जाएगा।